ये बुक है वाइवास फॉर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी FRCS, और इसका ये सेकंड स्टेशन है। ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स हैं, ब्लैक एंड व्हाइट बुक है मेरे पास, इस वजह से इतना ज़्यादा क्लियरली पिक्चर्स आइडेंटिफाई नहीं हो सकती। अच्छा, इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब व्हाट यू सी। तो इसकी डिस्क्रिप्शन इस तरह से करेंगे कि दिस इज़ अ क्लिनिकल पिक्चर, क्लिनिकल फोटोग्राफ ऑफ 2 सेंटीमीटर नॉन होमोजीनियस वाइट एंड रेड लीजन अफेक्टिंग द सेंट्रल टंग एंड द फ्लोर ऑफ द माउथ। तो क्लिनिकल फोटोग्राफ है, 2 सेंटीमीटर वाइट लीजन है अफेक्टिंग द सेंट्रल टंग एंड फ्लोर ऑफ द माउथ। सेकेंड क्वेश्चन है कि बायोप्सी की गई इसकी, और ये बायोप्सी प्रूवन स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है। तो अब फर्दर असेसमेंट पेशेंट की क्या होगी? तो जो बायोप्सी प्रूवन स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, उसके बाद हम क्या क्या चीज़ें करते हैं उसमें? परफॉर्मेंस स्टेटस असेस किया जाता है, इसके अलावा स्टेजिंग के लिए इमेजिंग कराई जाती है, उसमें सीटी स्कैन ऑफ हेड नेक एंड चेस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, और मल्टीडिसिप्लिनरी टीम मीटिंग के अंदर जो है वो केस को डिस्कस किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है कि जो डिफरेंट इमेजिंग के मेथड्स यूज होते हैं नोडल मेटास्टेसिस को देखने के लिए, लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए जो मुख्तलिफ इमेजिंग मेथड्स हैं, तो उनकी सेंसिटिविटी क्या क्या है? तो इसमें जो मेथड्स यूज होते हैं उसमें सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं और अल्ट्रासाउंड करते हैं नेक के लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट को देखने के लिए। उसमें सेंसिटिविटी लिम्फ नोड्स की अल्ट्रासाउंड के ऊपर 90% है, एमआरआई के ऊपर 85% है, सीटी स्कैन के ऊपर 85% है। फोर्थ क्वेश्चन है कि इमेजिंग आपने की और इमेजिंग से आपको ये मिला है कि कॉन्ट्रालेटरल लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, जिसका जो डायमीटर, जो साइज है वो 2.5 सेंटीमीटर है। तो नेक की स्टेजिंग आप क्या होगी? तो इस पे पहले हम रिव्यू करते हैं कि स्टेजिंग नेक की लिम्फ नोड के साइज के मुताबिक किस तरह से की जाती है। N1 होता है कि अगर एक इप्सीलेटरल लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो और उसका साइज 3 सेंटीमीटर से कम हो। N2 के फिर 3 कैटेगरीज है, N2A है, N2B है, N2C है। जो सिर्फ N2 है उसका ताल्लुक उसके साइज के साथ है कि 6 सेंटीमीटर से अगर छोटा है, 3 से बड़ा है या 6 से छोटा है, तो वो यूजली N2 कहलाता है। अब अगर उसी साइड के ऊपर सिंगल लिम्फ नोड मिल रही है तो वो N2A है, 6 सेंटीमीटर से छोटी। अगर सेम साइड के ऊपर इप्सिलेटरल मल्टीपल लिम्फ नोड्स मिल गई हैं तो वो N2B है, और अगर बाइलेटरल या फिर कॉन्ट्रालेटरल 6 सेंटीमीटर से बड़ी लिम्फ नोड्स आपको मिल जाती हैं तो वो N2C है। और फिर N3 क्या है कि जो लिम्फ नोड का साइज है वो 6 सेंटीमीटर से बड़ा हो गया है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि इमेजिंग ने, आपने इमेजिंग की और चेस्ट के अंदर भी आपको एक सस्पिशियन लीजन मिल गया है, अब इसकी असेसमेंट आप, इसकी आप मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो अगर चेस्ट में आपको एक सस्पिशियस लीजन मिल गया है तो फिर इसके लिए आपको लंग मल्टीडिसिप्लिनरी टीम मैनेजमेंट के थ्रू इसकी असेसमेंट, इवेल्यूशन, फर्दर मैनेजमेंट की जाएगी। आपने लंग मल्टीडिसिप्लिनरी टीम मैनेजमेंट टीम मीटिंग के लिए भेजा, उसमें डिस्कस होने के लिए भेजा, और उन्होंने कहा कि ये जो लंप आपको मिला है ये कैंसर नहीं है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या आप पैन एंडोस्कोपी करेंगे? अब पैन एंडोस्कोपी हम करते तब हैं कि जब हम सिंक्रोनस एरोडाइजेस्टिव ट्यूमर को डिटेक्ट करना चाह रहे हो। सिंक्रोनस क्या होता है कि एक ही टाइम पे दो ट्यूमर्स मौजूद हों, और जो करंट एविडेंस है वो ये बताती है कि पेन एंडोस्कोपी से जो पिकअप रेट है वो नेग्लिजिबल है, क्योंकि जो इमेजिंग मोडेलिटीज है उनकी सेंसिटिविटी ज्यादा हो गई है एज कंपेयर टू पेन एंडोस्कोपी। तो पेन एंडोस्कोपी जो है अब इंडिकेट की जाती है ओनली इफ देयर इज ट्यूमर एट द बेस ऑफ टंग एंड पोस्टीरियर मार्जिन कैन नॉट बी असेस्ड क्लिनिकली। पोस्टीरियर मार्जिन आप नहीं चेक
चेक कर पा रहे क्लिनिक के अंदर, और बेस ऑफ द टंग में आपको ट्यूमर मिल रहा है, तो आप पेन एंडोस्कोपी कर लें। तो आपने लंग मल्टीडिसिप्लिनरी टीम मीटिंग में भेजा, उन्होंने कहा कि ये कैंसर नहीं है, इस केस में पेन एंडोस्कोपी कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पेन एंडोस्कोपी कब कराते हैं कि जब आपको सिंक्रोनस एरो डाइजेस्टिव ट्यूमर का शक हो और आप उसको डिटेक्ट करना चाह रहे हो। और इसकी इंडिकेशन जो है अब वो है सिर्फ ट्यूमर एट द बेस ऑफ द टंग हुज पोस्टीरियर मार्जिन कैन नॉट बी असेस्ड इन क्लिनिक। फिर सेवेंथ क्वेश्चन आ जाता है कि जो नेक पॉजिटिव है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। तो अगर नेक पॉजिटिव होती है तो उसमें आपके पास ट्रीटमेंट ये होता है कि आपने नेक डिसेक्शन करनी है, और रेडियोथेरेपी तब करनी है कि अगर मोर देन वन पॉजिटिव लिम्फ नोड है या एक्स्ट्रा कैप्सुलर स्प्रेड है। अगर नेक पॉजिटिव है तो आपने नेक डिसेक्शन तो करनी करनी है। अब जो नेक पॉजिटिव है, अगर एक से ज्यादा नेक नोड पॉजिटिव है या फिर एक्स्ट्रा कैप्सुलर स्प्रेड हो गया, तो नेक डिसेक्शन के साथ साथ रेडियोथेरेपी भी करनी है। अब रेडिकल नेक डिसेक्शन यूजली की जाती है, और उसकी जो टाइप्स हैं कि कौन सी टाइप की नेक डिसेक्शन करें वो डिपेंड करती है कि स्टेज क्या है। अगर तो N1 है तो फिर आप सिलेक्टिव नेक डिसेक्शन करते हैं जिसमें लेवल 1 से 4 होते हैं, और N2 या N3 है अगर तो फिर मॉडिफाइड रेडिकल नेक डिसेक्शंस की जाती हैं। N1 है तो सिलेक्टिव नेक डिसेक्शन लेवल 1 से 4 तक, नॉन लिम्फेटिक स्ट्रक्चर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, और N2 और N3 है तो फिर आप मॉडिफाइड रेडिकल नेक डिसेक्शन करते हैं जिसमें लिम्फ नोड्स तो निकाल रहे हैं, साथ नॉन लिम्फेटिक स्ट्रक्चर्स भी कुछ ना कुछ निकाले जाते हैं। तो ये सेवेंथ क्वेश्चन था। फिर एट क्वेश्चन आ जाता है कि रिसेक्शन स्पेसिमन जो है उसको आपने फुली एक्साइज किया विद अ मार्जिन ऑफ 3 mm। तो ये जो सिग्निफिकेंस है इस चीज़ की वो फर्दर ट्रीटमेंट के लिए क्या है, यानी कि जो आपने एक्सीजन करके लेबॉरेटरी में भेजा था तो उन्होंने ये बताया है कि लीजन तो आपने पूरा निकाल लिया है लेकिन जो मार्जिन हैं वो 3 mm हैं, यानी कि साउंड स्ट्रक्चर बियॉन्ड द एक्सटेंशन ऑफ ट्यूमर जो है वो 3 mm है। तो अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो जो मार्जिन्स हम रिसेक्शन के बाद होते हैं वो हमारे पास मिनिमम होता है कि हमने 1 mm 1 cm का साउंड एडजेसेंट टिश्यू जो है वो बायोप्सी के अंदर या एक्सीजन के अंदर शामिल हो। जो पैथोलॉजिस्ट हैं रॉयल कॉलेज ऑफ पैथोलॉजिस्ट, वो जो आपने सैंपल भेजा है उसकी मार्जिन्स को देखते हुए मार्जिन्स को 3 कैटेगरी में डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर सिर्फ 1 mm से कम साउंड या नॉर्मल टिश्यू की मार्जिन मिली हुई है तो इसका मतलब है कि ये इन्वॉल्व्ड मार्जिन्स है। अगर 1 से 5 mm नॉर्मल टिश्यू की मार्जिन्स हैं तो ये क्लोज मार्जिन्स कहलाएंगी, और अगर मोर देन 5 mm नॉर्मल टिश्यू की मार्जिन्स मिल रही है लीजन के ऑल अराउंड तो इसका मतलब है कि ये क्लियर है। तो अब ये जो केस था इसमें बायोप्सी की रिपोर्ट ने बताया है, एक्सीजनल जो आपने एक्सीजन किया है उसके बाद पैथोलॉजिस्ट ने बताया कि ये 3 mm की मार्जिन्स हमें मिली है नॉर्मल टिश्यू की अराउंड द लीजन, तो इसका मतलब है कि ये क्लोज मार्जिन है। रिस्क जो है वो 5 mm से ज़्यादा हमें नॉर्मल टिश्यू की मार्जिन्स चाहिए, क्लियर मार्जिन चाहिए, तो फिर रिस्क कम होता है। जहां पे क्लोज मार्जिन मिल रही है जैसे इस केस में, तो रिकरेंस का जो रिस्क है वो 3 times बढ़ जाता है। और अब हमें कोई ना कोई एडजुवेंट ट्रीटमेंट भी करना है, या फर्दर रिसेक्शन की जाए या फिर एडजुवेंट ट्रीटमेंट किया जाए जैसे रेडियोथेरेपी। अच्छा, अब जो 9th क्वेश्चन है वो है कि पेशेंट्स को आपने रेडियोथेरेपी भी कर दी है और कीमोथेरेपी करी, यानी कि एक्सीजन किया फिर आपने रेडियोथेरेपी की फिर आपने कीमोथेरेपी की, अब इसका आप सर्जिकल फॉलोअप किस तरह से करेंगे?
तो इसके फॉलोअप में ये है कि ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजिस्ट की रिकमेंडेशन है कि जब आपने ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लिया तो जो पहला साल है उसमें हर एक या दूसरे महीने पे पेशेंट को बुलाया जाएगा, दूसरे साल के अंदर हर तीसरे या चौथे महीने में बुलाया जाएगा, और फिर 3 से 5 साल तक हर छठे महीने में बुलाया जाएगा। अल्ट्रासाउंड किया जाएगा नेक का हर 3 महीने के बाद 2 साल तक। तो ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ हेड एंड नेक ऑनकोलॉजी का जो प्रोटोकॉल है आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, जिसमें आपने एक्सीजन किया है, वाइड लोकल एक्सीजन, और आपने नेक डिसेक्शन की है, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ये सब कुछ किया हुआ है, अब उसको आपने फॉलोअप किस तरह से करना है कि जो पहला साल है ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के बाद उसमें हर 1 या 2 महीने में एक विजिट पेशेंट का होना है। जब 1 साल गुजर जाए तो फिर हर तीसरे या चौथे महीने पेशेंट ने आना है। फिर 3 से लेके 5 साल तक हर छठे महीने पे पेशेंट ने आना है। और जो अल्ट्रासाउंड आपने कराना है ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के बाद, नेक का अल्ट्रासाउंड आपने कराना है हर 3 महीने के बाद शुरू के 2 साल तक। तो ये दूसरा स्टेशन था इस जो इस बुक के अंदर डिस्कस किया गया, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है।